परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, भारतीय संस्कृति बहुत बड़ी है और इस संस्कृति में हर कोई अपने अलग अलग धर्म को मानता है और वो चाहता है कि उसे उसके जीवन में वो सभी सुख हासिल हों, उसको उसके जीवन में मुक्ति मिले, जिसके लिए वो अपने जीवन में अलग अलग गुरुओं को भी धारते हैं ताकि वो गुरु उनको उनके जीवन की नई राह दिखा सके, जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव ला सके जिनसे कि वो बिल्कुल भटक चुके हैं। और आपको ऐसी ही नई राह दिखाने का हमारा ये कार्यक्रम है आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है। गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है, उसकी आप गहराई में देखेंगे तो एक बड़ी प्रेरणा है। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मविमतम आस्थिता सहयुक्तात्मा मामे वनुत्तमाम गतिम। तो यहाँ जो श्लोक है, भगवान कहते हैं सभी भक्त मेरे उदार हैं, सभी भक्त अच्छे हैं, ज्ञानी भले ही एक रूप होने के कारण मेरी आत्मा है, मेरे से एक रूप है, लेकिन आगे जो कहा आस्थिता साहि युक्त आत्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम, यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम है, क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है, जो तू है सो मैं हूँ। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, जो मैं हूँ सो तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है, एक रूपता। भगवान कहते हैं वो उस गति को पा लेता है, उस स्थिति को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी गति नहीं होती। यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम शब्द है, अनुत्तम की साधना की बात है, वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, जीव का परम प्राप्तव्य है, जिस प्राप्ति के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये गीता की एक दिव्यता है जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने प्राप्त करने की प्रेरणा दी और कहा कि उसके समान कोई गति नहीं। प्रभु जी, यहाँ आपसे ज्ञान की बात और जानना चाहेंगे। कहा जाता है गीता जी के अध्याय 7 और श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है। यहाँ पर अनुत्तमा गति कहा उन्होंने। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा कि चतुर्विधा भयंती माम जना सुकृतचार्जुना आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च वर्तर सब। चार प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। एक तो जो आर्त है, जिनके ऊपर संकट है, दूसरे अर्थार्थी हैं जो धन की कामना करते हैं, और तीसरे जो ज्ञानी हैं, और चौथे जो जिज्ञासु हैं, वो मेरी उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन साथ साथ जो लोग ज्ञानी हैं, जो मेरे परम ज्ञान को जानते हैं, गीता के इस गुह ज्ञान को जानते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं वो उनको मैं अपने समान मानता हूँ और उन्हें निश्चित रूप से अनुत्तमा गति अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ये मानते हैं कि जिन्हें पूर्ण ज्ञान है उनको वो बिल्कुल अपने समान मानते हैं। बिल्कुल। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को भी अनुत्तम क्यों कह रहा है। ये उसका देखिए मूल पाठ जो है वो है मामेवानुत्तमाम गतिम। ये अनुत्तम गति नहीं है और साधना को उन्होंने कहीं अनुत्तम नहीं कहा है। और अपनी साधना का तो साधना भगवान की कुछ है ही नहीं। भगवान साध्य हैं, मतलब सारे संसार के जो लोग हैं उनके लिए साधने योग्य भगवान हैं। तो सिद्धि जो होती है वो भगवान को प्राप्त करने की जो अवस्था होती है वो सिद्धि होती है। तो भगवान की तो कोई अनुत्तम स्थिति है ही नहीं और अब उनकी कोई साधना भी नहीं है। उनकी साधना है तो यह है कि वो हमको साध रहे हैं और हमको संभाले हुए हैं और जितनी कठपुतलियाँ हैं उनको अपने इशारों पर नचा रहे हैं, ये उनकी साधना है।
वो हमको साध रहे हैं, बस यही, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। भगवान ने अपनी किसी उसके लिए नहीं कहा है कि मेरी साधना अनुत्तम है, वो ये कह रहे हैं उत्तम गति को प्राप्त करने के लिए मुझे प्राप्त करना चाहिए, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे कर्म के द्वारा, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो ये थे आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के विचार। अब आपको सुनाते हैं तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के विचार। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आ गए होए। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये काल यानी ब्रह्म बोल रहा है। ये कह रहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का एक ओम ये एक अक्षर है, बस यही उच्चारण करके स्मरण करता हुआ ये प्रयाति तुजन देहम जो शरीर छोड़कर जाता है स याति परमाम गतिम। वो ओम से मिलने वाली गति को, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। अब ओम से कौन सी गति प्राप्त होगी? वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा। आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप की और हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। ये है 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। अब ज्यादा ना पढ़ के हम अपने मतलब का पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी और कोई मंत्र जाप नहीं करना, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, तुम्हारा कल्याण हो, उसको मिल पा जाओ। वो कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ओम का जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्म लोक में। ठीक। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी जो साधना करनी है तो केवल ओम नाम है, नथिंग एल्स। राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण, ये कृष्ण कलम कृष्ण, ये बनावटी और मनमाना आचरण है, यूजलेस मंत्र है, इनसे जीवन नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा जाप करना है तो ओम का जाप है, और इस ओम नाम के जाप करने से अंतिम सांस तक मेरा स्मरण करता रहेगा तो परम गति यानी मेरे से ओम नाम से जो मिलने वाला लाभ है उसको प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म लोक में चले जाओगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी, यानी ब्रह्म लोक में जो चले गए उनका भी पुनर्जन्म जन्म मृत्यु सभी कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा हैं तो नेक उद्धार हैं, लेकिन ये परमात्मा में लगी हुई आत्माएं ये मेरे वाली अनुतम गति में ही सचित हैं,
मेरे वाली अनुत्तम यानी घटिया अश्रेष्ठ गति में स्थित है, यानी इनका भी जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा और कर्म का दंड इन्हें भोगते ही रहना होगा, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म भी नाशवान है और फिर इसके उपासक तो ऐटोमेटिकल नाशवान हो गए, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में गीता जी में स्पष्ट लिखा है कि वहाँ गए हुए भी फिर भी पुनरावृत्ति में है। इसलिए ये कहता है कि मेरी साधना ये पुण्यात्मा कर तो रहे सच्चे मनते, लेकिन मेरे वाली घटिया गति में ही ये सचित है। अब इसको घटिया क्यों कहा, अनुत्तम क्यों कहा, ये अज्ञानी संत नकली ऋषि गुरु कहते हैं कि यहाँ अनुत्तम का अर्थ है जिससे उत्तम कोई और ना हो। अरे तेरा गजब, इतनी अनर्थ कर डाले इन्होंने। एक छठी कक्षा के बालक तो पूछ लो विद्यार्थी से, उत्तम माने क्या होता है, श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, और इन्होंने अज्ञानता के कारण इनके अनर्थ कर डाले। यदि यहाँ ये भी प्रसंग हम माने इनकी दंत कथा से, अज्ञान से, कि भगवान ये कह रहे हैं कि इससे उत्तम कोई गति नहीं, मेरे से उत्तम कोई किसी की गति नहीं, इसलिए अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कहा, नहीं। गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपुण्यात्मा, यदि यहाँ अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम करें तो वैसे अनर्थ है, और फिर इस आधार से कहें कि भगवान कह रहे हैं कि इससे उत्तम कोई और गति नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं कि वो और है गति, और परमात्मा जिसे पूर्ण मोक्ष होगा, जिसे जिसकी गति सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा वो अन्य भगवान के विषय नहीं कहते। अपुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके उस तत्वदर्शी संत की खोज करो, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान सुनो, समझो उस परमात्म तत्व के बारे में वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। जिन्होंने वो तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है, वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु को जानना, किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है, तो वो किम तत्ब्रह्म। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये तीन प्रभु हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और श्लोक 16 और 17 में जो विशेष विवरण दिया है उसको समझने के लिए इस संसार रूपी वर्क्स को आप देखिएगा, चित्र आसानी से समझ में आएगा। फिर ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष इसका एक डार समझो, ये
काल समझो, काल ब्रह्म समझो, इसको कुछ भी कहो, ये इसके इसी के पर्यायवाची नाम है। सर्वब्रह्म सर्वब्रह्म अर्थात सर्वपुरुष, काल ब्रह्म, इसको ब्रह्म सर्वपुरुष भी कहते हैं, सर्वपुरुष। ये तो डार समझो, इस संसार विवर्क्ष की। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा जी, सत्गुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं और हम यहाँ पात्र रूप संसार। अब इस आशय को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है, ये जड़ कौन है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या पूर्ण ब्रह्म या परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तीन भगवान हैं, एक तो परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, ये तो जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष की, यहीं से सबको उत्पत्ति होती है और यहीं से सबको आहार मिलता है, सबका धारण पोषण यही करता है। फिर तना जो जमीन से बाहर दिखता है उसको अक्षर पुरुष परब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और उसके फिर एक डार है, वो सर्वपुरुष है, ये ब्रह्म है जो गीता बोल रहा है। और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा हैं और हम पात्र रूप संसार। तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता, वो है वास्तव में परम गति, जो गीता ज्ञान दाता से कोई और परमेश्वर है और वो संत बताएगा। तो पुण्यात्माओं, यहाँ गीता ज्ञान दाता इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अपनी गति को अनुतमाम अति घटिया कहता है, कति व्यर्थ है, क्योंकि जन्म मृत्यु कहता मेरी भी रहेगी और साधक की भी रहेगी, ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा मेरे ओम नाम के जापते हैं, और ब्रह्मलोक में गए हुए भी प्राणी फिर वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये खुद कह रहा है कि मेरी जो साधना है वो अति अनुतम है, व्यर्थ है, वो घटिया है। इसलिए यह गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में कहा कि उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी वापस नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। और कहता है सच्ची श्रद्धा से उसी की साधना करो, गीता ज्ञानदाता कहता है। महाराज जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन, राम हरे कृष्ण हरिओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? परमात्मा का कोई भी नाम है, राम कहें, कृष्ण कहें, ओम कहें, कोई भी नाम है, वो निश्चित रूप से सक्षम है नाम के माध्यम से समाधि और समाधि के माध्यम से मोक्ष। प्रभु जी यहाँ एक और है जहन में हमारे सवाल कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन, राम हरे कृष्ण हरि ओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? पहले आपको ये समझना पड़ेगा समाधि, हम लोगों के दुख का कारण ये धी है, धी ये बुद्धि, ये हमको ठुकरा रही है, और बुद्धि जो है मन के अधीन बंधी हुई है। वही बुद्धि जब परम से आनी, हम लोगों को विलक्षणा बुद्धि चाहिए, जो श्री कृष्ण की भक्ति की बुद्धि है वो चाहिए, परा बुद्धि चाहिए। और जब तक हम भौतिक बुद्धि में बंधे हुए हैं तो हमें ये उलझाए रहती है, कभी कामनाओं के चक्कर में, कभी इंद्रिय भोगों के चक्कर में, और जो बुद्धि से हम प्रताड़ित होते रहते हैं। अबला नसानी अबला नसंहो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुण्य नड सहो। तो जब तक हम भक्तों की शरण ग्रहण नहीं करते, आचार्यों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक ये इंद्रियां हमको झकझोरती रहती हैं, बाई दहने लेफ्ट राइट खींचती रहती है। तो हमें भगवान की शरणागति संतों के, साधुओं के, और उन संतों के जिन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण के चरण में लगा दिया है, उनकी शरणागति में रहने पर ही हमारा मार्गदर्शन हो सकता है और हमारी बुद्धि शुद्ध हो सकती है। जो ही हमारी बुद्धि शुद्ध होगी तब श्री कृष्ण से हमारा प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है। अर्थात मेडिटेशन या समाधि जो कहा जाता है, समाधि अभ्यास जो कहा जाता है, उससे मोक्ष की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती और उससे किसी भी तरह का मोक्ष संभव नहीं। जो समाधि है
ये तो बहुत उत्तम स्थिति है, लेकिन समाधि कैसे होगी जब मन हमारा भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है? समाधि कैसे होगी? इसलिए मंत्रोच्चार के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का दृढ़ निश्चय के साथ जप करेंगे तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, और जब मन हमारा स्थिर हो जाएगा तो हमारी स्थिति समाधि में लीन हो जाएगी, और वो जो समाधि है कृष्ण स्मरण की समाधि, कृष्ण के साथ रमण करने की समाधि, कृष्ण की भक्ति की समाधि, वो हमें कृष्ण के प्रेम में बांध देगी। समाधि जप या ध्यान से मोक्ष प्राप्त हो सकता है? एक ऐड आता है आजकल, और उसमें छोटा सा भतीजा जो है वो अपने चाचा से पूछता है, आप किस तरह की पत्नी पसंद करेंगे? तो कहा कि सरकारी नौकर हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी अगर नौकरी अगर चली भी जाए तो कम से कम जो है वो उसकी नौकरी से काम तो चल जाएगा, और फिर बचत करने वाली भी होनी चाहिए, बचा कर रखे, ज़्यादा खर्च वर्च करने वाली नहीं हो। तो समझदार भतीजा कहता है कि तो फिर चाचू आपको पत्नी की ज़रूरत नहीं है, आप LIC की पॉलिसी ले लीजिए और विवाह जो है वो किसी प्रेम करने वाली पत्नी से कीजिए, लड़की से कीजिए। बस यही इसका उत्तर है। हमारा कहना है कि भगवान के को प्राप्त करने का कर्मकांड से भी भगवान की उपासना होती है, जब से भी होती है, ध्यान से भी होती है। ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, अपने हृदय में भगवान को का चिंतन करके लोग अपने दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तो ये होता है। लेकिन ध्यान से, मेडिटेशन से, जप से, तपस्या से परमात्मा को सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है क्या? तो भगवान तो सबसे अधिक जो प्रिय है वो है प्रेम, क्योंकि भगवान स्वयं ही प्रेम है, और इसलिए उनको प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय जो है वो प्रेम है। समर्पण, मैं तुम्हारा हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, केवल एक प्रणाम ही पर्याप्त है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव भृतेन तुल्यम दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, केवल अंतःकरण से किया हुआ प्रणाम। दोनों हाथ अगर कट गए हों संजीव कुमार के समान तो फिर प्रणाम कैसे करेगा? वो हृदय से प्रणाम करेगा। गब्बर को मारने के लिए तो जूतों में कील लगवा लेगा, लेकिन भगवान को प्रणाम करने के लिए हाथ कहां से लाएगा? तो गब्बर को मारने के लिए जूते की कील जरूरी है, लेकिन भगवान को प्रणाम करने के लिए हाथों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रणाम जो करता है वो हृदय करता है। तो भगवान को यदि हमने हृदय से प्रणाम किया और हम उनकी शरण में चले गए और एक बार कहा सकृत एव प्रपन्नाया, एक बार सकृत कहते हैं, एक बार प्रपन्न भाव से बिल्कुल सारे अहंकार को छोड़ करके, सकृत एव प्रपन्नाया तवास्मी, मैं तुम्हारा हूं, इति च याचते, इस प्रकार से अगर कोई याचना करता है तो भगवान एश्योरेंस देते हैं, उनका वादा है, ये गारंटी है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम् मम, संसार के सारे भयों से मैं उसको मुक्त कर देता हूं, ये मेरा व्रत है, यानी ये मेरा स्वभाव है, या मेरा ये मेरी आदत है। तो भगवान जो हैं वो केवल समर्पण चाहते हैं, केवल मोहब्बत, इसके अलावा और कुछ नहीं। और भगवान को हमने अगर एक बार कह दिया गजरुल ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हार्यो, पहले तो उसने अपने भारी भरकम शरीर से ए छोटा सा एक मगरमच्छ क्या है इसको कुचल दूंगा मैं, लेकिन जब नहीं हो सका और डूबते गए तो तिल भर सून रही जल बाहर तब हरि नाम उचार्यो, तब हरि शब्द में तो केवल दो ही अक्षर हैं, उसमें भी कोई बड़ा अक्षर नहीं है, मतलब बड़ी मात्रा नहीं है, री भी बड़ा बड़ा नहीं है, हरी नहीं है, हरि है, तो वो ह का ही उच्चारण हो पाया। री का उच्चारण करने के पहले ही भगवान प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र से ग्राहक की ग्रीवा को उच्छिन्न करके उन्होंने गजराज को उभार लिया। तो क्या चाहिए भगवान को? भगवान को समर्पण चाहिए, एक बार कहो कि मैं तुम्हारा हूं। गीता को जिन्होंने अपने जीवन में ढाला था और गीता में जो जीते रहे ये वर्तमान युग के महान संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनसे कहा कि कुछ दीजिए हमको, हम क्या करें,
हमको कोई उपासना का तरीका, कोई कर्मकांड, कोई तरीका इस प्रकार का बताइए। तो उन्होंने कहा एक ही तरीका है कि हर श्वास में बोलते रहो, हे प्रभो, भगवान से मांगते रहो, हे भगवान मैं तुमको भूलूं नहीं, 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 तुम सदा मुझे याद रहो। बस इससे बढ़कर के और भगवान से वर मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तीन ये जो रखे हुए हैं, अभी तो मैंने इनको ऑफ कर रखा है, लेकिन जब ऑन करूँगा तो ये काम नहीं करेंगे। अगर इनका टावर, अगर वोडाफोन का टावर नहीं है तो वोडाफोन काम नहीं करेगा, एयरटेल का टावर नहीं है तो एयरटेल काम नहीं करेगा, और थोड़ा अगर कहीं घाटी वाटी में चले गए, अंडरग्राउंड में चले गए तो काम नहीं करेगा। मतलब डिसकनेक्ट हो गया, टावर के साथ कनेक्शन नहीं है, तो सब सिम बेकार, बैटरी बेकार और महंगे से महंगा मोबाइल बेकार। परंतु अगर हम डिसकनेक्ट नहीं हुए, कनेक्शन हमारा जुड़ा रहा, बात खत्म हुई। तो ये जो मोबाइल है, हम मोबाइल हैं कि नहीं है, हम चलते फिरते हैं कि नहीं है, तो ये जो मोबाइल है, इतना बड़ा मोबाइल, संसार का सबसे कीमती मोबाइल, इसको अपने टावर के साथ, अब सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यह है कि वो टावर नहीं है, एयरटेल का भी नहीं है और रिलायंस का भी नहीं है और बीएसएनएल का भी नहीं है, तो क्या है वो? तो वो तो महाटावर है, टावरों का टावर है। दुनिया में, ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां उससे डिसकनेक्ट होने का खतरा हो। तो फिर कनेक्ट रहो ना भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? अपना लग पहनकर चलो ना। तो अपना लग पहनकर चलो जो है, वो कोई बनियान फनियान नहीं है, कोई गारमेंट फारमेंट नहीं है, भगवान की कृपा, भगवान के प्रेम के कपड़े पहनकर चलो। मैंने रंग दी चुनरिया तेरे रंग में, हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। तो ये तो फिल्मी गाना हो जाएगा, अनूप जलोटा जी आ जाएंगे इसमें। तो फिर क्या करना? तो सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम प्रभु काली कामरी, चढ़े न दूजो रंग। फिर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता, काला जो है वो सुपर फास्ट कलर है, इसीलिए मैं कृष्ण श्री लगाता हूँ, इसीलिए आकाश का कलर काला है, भगवान काले हैं, तो उससे ज़्यादा कोई कलर है ही नहीं है। श्रीमान कैमरामैन जी ने जो ये पिंक कलर का ये पेन रखा है, पिंक है या लाइट ऑरेंज है, इसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाएगा कि कत्थई हो जाएगा, ये ब्राउन हो जाएगा, फिर ब्राउन के ऊपर अगर चढ़ाना होगा तो फिर अंततोगत्वा काला चढ़ेगा, और काला चढ़ने के पश्चात फिर आप कहिए कि इस पर कोई दूसरा रंग चढ़ा दो, तो नहीं चढ़ेगा। तो इसलिए भगवान का कलर जो है, उसमें जब हम अपने कलर को, तो उनकी सिम यानी हमारी सिम कहीं भी डिसकनेक्ट नहीं हो सकती। महाटावर के साथ कनेक्ट रहो, कनेक्शन कटा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो भगवान के साथ कनेक्ट रहो, बस यही सबसे बड़ा सर्वोपरि उपाय है। हे भगवान मैं तुमको भूलूं नहीं। विस्मरण जो है वो मरण है, और स्मरण ही जीवन है। भगवान को स्मरण करते रहो, फिर जीवन ही जीवन है, फिर कभी मृत्यु होती ही नहीं है, क्योंकि अजन्मा को और अनंत को जब अपने ध्यान में रखोगे तो वैसे ही बनोगे। और किसी मुर्दे वर्दे की, किसी औलिया वलिया इसकी, मतलब सामान्य देवताओं की, भगवान ने गीता में कहा है कि जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उनको भूत प्रेत प्राप्त होते हैं, यक्षों की उपासना करने वालों को यक्ष प्राप्त होते हैं, देवताओं की उपासना करने वालों को देवता प्राप्त होते हैं, और मेरी उपासना करने वालों को मैं प्राप्त होता हूँ। तो काहे को जो है वो किसी चौराहे पर खड़े हुए जो है वो दरोगा से या किसी कांस्टेबल से काहे को दोस्ती बढ़ानी, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट से क्यों बढ़ानी, सुपरिंटेंडेंट से क्यों बढ़ानी, डीआईजी से क्यों बढ़ानी, आईजी से क्यों बढ़ानी, कमिश्नर से भी क्यों बढ़ानी, और होम मिनिस्टर से भी क्यों बढ़ानी, डायरेक्ट भगवान से ही क्यों नहीं सीधा रिलेशन स्थापित किया जाए जिससे झंझट खत्म हो जाए। तो भगवान यही कहते हैं, गीता का अंतिम सार जो है वो ये है कि सीधे मुझसे कनेक्ट रहो, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। तो ये थे आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के विचार। अब आपको सुनाते हैं तत्वदर्शी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के विचार। कर जोरू विनती करूं, दरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश।
दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुनात्माओं, अब जो हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे ये नाम जाप करते हैं ये गीता जी के विरुद्ध है। शास्त्र विधि को त्याग कर ये मनमाना आचरण है, ये यूजलेस है। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत ही जटिल बना दिया गया है। जिस भी संत या पंथ से कोई भी श्रद्धालु जुड़ा है वो सच्ची श्रद्धा से उनके साथ लगा हुआ है। जितने भी संत हैं जितने भी पंथ हैं सब अपने अपने मते अपने अपने साधना के तरीके बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं जो मनमानी पूजाएं करते हैं मनमाने नाम जाप करते हैं जो सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है जिनका, तो वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। उनको न तो कोई सुख होता है न उनकी उनको सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात यूजलेस। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अर्थात जो साधना करनी चाहिए और जो त्यागनी चाहिए जो नहीं करनी चाहिए उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो सदग्रंथों में लिखी पूजा की विधि है वही कीजिए, उसको त्याग कर अपना मनमानी कोई साधनाएं करते हो तो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से मनमानी पूजाएं होने से वो व्यर्थ हैं। जैसे कुछ श्रद्धालु हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे या कोई राधे राधे श्याम मिला दे, कोई ओम भगवते वासुदेव नमः, कोई जाप करता ओम नमः शिवाय, और भी अन्य बहुत से मंत्रों के जाप किए जाते हैं। ये मंत्र किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं है। सदग्रंथ मीन पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। जो श्रद्धालु श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानते हैं और वो ये भी मानते हैं कि श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान अर्जुन को दिया और इस सदग्रंथ को वो सर्वधार्य मानते हैं, और कुछ एक संतजन कुछ महाराज जी गीता मनीषी लिखते हैं अपने पीछे महामंडलेश्वर, और वो जाप करते हैं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे, तो इससे सिद्ध है कि वो केवल लिखे हुए हैं गीता मनीषी, उन्होंने गीता जी के बारे में कह का भी ज्ञान नहीं है। किसी सदग्रंथ के मंत्रों को श्लोकों को कंठस्थ याद कर लेने मात्र से वो उस सदग्रंथ का ज्ञाता नहीं हो जाता। अब श्रीमद् भगवत गीता जी में कहीं भी हरे कृष्ण या कृष्ण कृष्ण हरे हरे या राधे राधे जाप करने का प्रावधान या आज्ञा आदेश नहीं है। तो इस प्रकार जो गीता जी की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाने ये जाप करते हैं ये अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं,
और साथ में श्रद्धालुओं को मिसगाइड किए हुए हैं, ये संत ठीक नहीं। श्री मद भगवत गीता जी श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ब्रह्म ने बोला, श्री कृष्ण जी ने गीता जी को नहीं बोला। श्री कृष्ण जी की आत्मा को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा था, इसका थोड़ा सा प्रमाण देते हैं फिर आगे चलते हैं। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का नाश हो गया और पांडवों को राज्य प्राप्त हुआ, तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को राजगद्दी पर बैठा दिया। अर्जुन ने कहा, भगवान आप द्वारका जाने वाले हो, हमें कुछ उपदेश देकर जाओ, क्योंकि आप हमारे धार्मिक गुरु हैं। क्योंकि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन कह रहा है कि आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप ज्ञान दीजिए, मैं आपकी शरण हूँ। तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सत्संग स्थल के आसपास टहल रहे हैं और अर्जुन श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान आज मुझे वही गीता जी का ज्ञान सुनाना जो आप जी ने महाभारत के युद्ध से पूर्व सुनाया था और मैं उस ज्ञान को भूल गया हूँ। अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तो बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है और तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं अब मुझे उसका पूरा पूरा स्मरण होना असंभव है, उस समय तो मैंने योग युक्त होकर उस ज्ञान को बोला था, परमात्म ज्ञान को। विचार करनी बात है पुण्यात्माओं कि जब श्री कृष्ण जी युद्ध के भयंकर समय में योग युक्त हो सकते हैं तो अब पीसफुल शांति समय में योग युक्त होना और आसान है। वास्तविकता ये है कि श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं कि उसने क्या बोला था गीता जी में। श्री कृष्ण जी में ये काल प्रवेश कर गया जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जो श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कह रहा है कि मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए आया हूँ। ये काल कौन है? ये श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के पिताजी हैं। अब आपको जो प्रसंग है वहाँ पर आते हैं कि महाभारत में प्रमाण है श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं गीता में के बोला था। ये देखिएगा संक्षिप्त महाभारत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड और संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये देखिएगा इसके 667 पृष्ठ पे श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यहाँ देखिएगा, जन्मे जय ने पूछा ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन जी ने कहा, राजन श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त हो गया तो वे दिव्य सभा में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सबजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर
भगवान से यह वचन कहा। देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था वो गीता वाला, वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हो, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए, यानी वो 18 के 18 अध्याय गीता जी के फिर सुना दीजिए। वैश्यपायन जी कहते हैं कि अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडु नंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया श्री कृष्ण जी ने गीता जी के विषय में क्या कह का नहीं पता। अब क्या कह रहे हैं, स्वयं तो कह रहे हैं कि मुझे अब वो पूरा ज्यों का त्यों दोहराना बड़ा कठिन है, मुझे याद नहीं आ सकता। अर्जुन पर डांट लगा रहे हैं कि तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने वो ज्ञान याद क्यों नहीं रखा। अब ये दास तो सत्संग करता है और पहली बार कोई श्रोता सुनता है, उस 2 घंटे का सत्संग उसको मुश्किल से 20-30% याद रहेगा, और इस दास को से कभी सुन लेना उस विषय को तुरंत सुना दूंगा। और यदि मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है, कोई भूत बोल रहा है, अन्य आत्मा बोल रही है, फिर मैं यही शब्द बोलूँगा जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला। अब फिर साथ में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैंने उस समय योग युक्त होकर उस परमात्म तत्व का ज्ञान कहा था, यानी श्री कृष्ण जी से अन्य कोई परमात्मा है, उस परमात्म तत्व का ज्ञान कहा था योग युक्त होकर। अब जब युद्ध के समय भयंकर समय में योग युक्त हो सकते हैं, तो अब तो पीसफुल था उस समय, तो सारे कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, उस समय तो और आसानी से योग युक्त हो जाना चाहिए था श्री कृष्ण जी ने। वास्तविकता ये है कि श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे ये युद्ध हो, पहले शांति दूत बनकर भी गए थे और 3 बार पांडव और कौरों को समझाने की चेष्टा की थी कि युद्ध मत करो, विनाश हो जाएगा और ये सब संपत्ति यहीं रह जाएगी, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन वो नहीं माने थे। अंत में भगवान ने ये भी कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। भगवान ये चाहते थे कि किसी तरह ये पांडव ही मान जाएं और ये युद्ध ना हो, लेकिन जो भी था नहीं बात से रचड़ी। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में जब दुर्योधन हर ने भगवान श्री कृष्ण जी की बात को नहीं स्वीकारा था, जब श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया था कि तुम 5 गांव दे दो पांडवों को, ये युद्ध टल जाएगा, और दुर्योधन नहीं माना था, तब भगवान ने उनको कई कटु बातें कह दी कि तुम इंसान नहीं है दुर्योधन, तो शैतान व्यक्ति है। अरे कहाँ 5 गांव, कहाँ आधा राज्य, तो विनाश के लिए उत्पन्न हुआ है। इन बातों से दुखी होकर, दुख मानकर दुर्योधन ने चाहा कि श्री कृष्ण को कैद कर लो, अरेस्ट कर लो। उसमें श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया जिससे वो
शिव की आंखें चुंधिया गई और वो सहन नहीं कर सके और भगवान वहां से निकल कर चले गए। अपुण्यात्मा जब महाभारत के युद्ध में आमने सामने सेना खड़ी होगी, अब अर्जुन ने तो यही बात कही जाकर के कि मैं युद्ध नहीं चाहता, इस युद्ध के अनर्थ से ऐसे जुल्म से तो हम भीख मांग कर खा लेंगे, मैं 5 गांव भी नहीं चाहता। यदि श्री कृष्ण जी होते उस समय, श्री कृष्ण जी के अंदर काल प्रवेश कर गया, उसमें श्री कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया, इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी इस काल ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर लिया, नहीं तो श्री कृष्ण जी कह देते कि ठीक है कुछ नहीं बिगड़ा अर्जुन चल चलेंगे। उसी समय वो काल आके श्री कृष्ण जी में प्रवेश कर गया। वो कैसे प्रवेश करता है ये दिखाते हैं। श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में कहा कि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता, और ये बुद्धिहीन व्यक्ति मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 24। बुद्धिहीन मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, बुद्धिहीन पुरुष ये व्यक्ति मेरे अनुतम माने घटिया अटल नियम को नहीं जानते, मेरे भाव को नहीं जानते कि मैं किसी के सामने नहीं आता। अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे अव्यक्त, अव्यक्त माने मुझ छुपे हुए को मैं गुप्त रहता हूँ अपनी योग माया से, और ये मुझे व्यक्ति भाव में प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। आई एम नॉट कृष्ण, मुझे मनुष्य की भांति जन्म लेकर यानी श्री कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। आगे देखो 25 में, ये 25वां है 7वें अध्याय का। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुद जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ, मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अपुण्य आत्माओं, ये काल जो है इसने जो गीता जी अध्याय नंबर 10 और 11 में जो अपना विराट रूप दिखाया है, ये इसका वास्तविक रूप है, और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने इस वास्तविक रूप में नहीं आऊँगा, दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में स्पष्ट किया है कि मेरा ये वास्तविक रूप है अर्जुन, मेरे इस रूप के दर्शन कोई नहीं कर सकता, ना किसी जप से, ना तप से, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, अर्थात मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और दूसरी यह है कि तेरे अतिरिक्त आज जो मैंने तुझे ये दर्शन, ये मेरा वास्तविक रूप दिखा है, तेरे अतिरिक्त इसको पहले कभी किसी ने नहीं देखा और न ही आगे देखा जा सकता। तो इससे भी सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे, श्री मद भगवत गीता जी का ज्ञान। यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो ये शब्द नहीं कहते कि मैंने तेरे से अतिरिक्त पहले किसी ने मेरा विराट रूप नहीं देखा था, क्योंकि कौरवों की सभा में श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखा चुके थे। पुण्यात्मा, समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं कि ये काल कैसे बोलता है, कैसे प्रवेश होकर बोलता है,
ये गीता जी 10 नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं कि ये कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होता। जैसे सिद्धों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, साधकों ने परमात्मा की स्तुति की, उसके दर्शन चाहे, तो ये क्या करता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, और वो साधक फिर इस सतगुण विष्णु को ही पूर्ण परमात्मा मानकर भ्रमित हो जाते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देते कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया, दिखेगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री विष्णु पुराण अध्याय 2 चतुर्थ अंश का अध्याय 2 और प्रश्न नंबर 233 पर आप देखिएगा। इसमें ये 22 श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ, यानी राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है, उसके विषय में यह बात सुनिए, राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नाम पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उसमें भूत की तरह प्रवेश होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा, अतः तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अपने आत्माओं, देवताओं ने स्तुति की विष्णु भगवान की, और ये काल पहुंच गया विष्णु रूप धारण करके, और इसने क्या कहा कि मैं उस ससाद के पुत्र पुरंजय के अंदर प्रवेश करूंगा और फिर राक्षसों ने मार दूंगा। इसके कर्म अलौकिक ऐसे हैं। अब देखिए अन्य प्रमाण, श्री विष्णु पुराण चतुर्थांश अध्याय 3 में, श्री विष्णु पुराण चतुर्थांश अध्याय 3 और पृष्ठ नंबर 242 पर यहाँ देखिएगा। पूर्व काल में रसातल में मौने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आँखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलशायी भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत रहित भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, यो काल था ब्रह्म, कहा कि यो नासव के पुत्र मानधाता का जो यह प्रकुत्स नामक पुत्र है, मानधाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं प्रेत की तरह उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। पुण्यात्मा, ठीक इसी प्रकार जैसा अभी आपने पढ़ा कि पुरकुत्स के अंदर प्रवेश होकर इसने गंधर्वों का नाश कर दिया, उधर पुरंजय के अंदर प्रकट होकर के असुरों का नाश कर दिया इस काल ने, ब्रह्म ने, इसको ब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, या ज्योत स्वरूपी काल कहो, ये ऐसे लीला करता है। ठीक इसी प्रकार जब श्री अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इसको पता था कि श्री कृष्ण जी भी कह देगा मैं भाई ठीक है चल, क्योंकि ये सतोगुण भगवान है, ये युद्ध के बिल्कुल विपरीत थे।
तो उसी समय ये काल ऐसे प्रवेश कर गया जैसे प्रकुत्स और पुरंजय में प्रवेश करके इसने जुल्म कर दिए। ऐसे ही एक महाभारत का जुल्म इस काल ने ब्रह्म ने करवा दिया। तो पुण्यात्मा, जब हम श्रीमद् भगवत गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं, और ये सदग्रंथ सही है क्योंकि गीता जी में आध्यात्मिक ज्ञान सही है, रही बात युद्ध करवाने की, ये उसका अपना उद्देश्य था, उसका अपना स्वार्थ था इस काल का। अपुनात्मा, अब जो हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे ये नाम जाप करते हैं, ये गीता जी के विरुद्ध है। शास्त्र विधि को त्याग कर ये मनमाना आचरण है, ये यूजलेस है। अब श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये काल यानी ब्रह्म बोल रहा है। ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, माम माने मुझ, ब्रह्म माने ब्रह्म का, मुझ ब्रह्म का एक ओम, ये एक अक्षर है बस, यही उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तदंदेहम जो शरीर छोड़ कर जाता है स याति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली गति को, श्रेष्ठ गति को प्राप्त होगा। अब ओम से कौन सी गति प्राप्त होगी? वो ब्रह्म लोक में चला जाएगा। आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है, संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप की और हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। ये है 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। अब ज्यादा ना पढ़ के हम अपने मतलब का पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यानी और कोई मंत्र जाप नहीं करना, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुँचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखो, तुम्हारा कल्याण हो, उसको मिल पा जाओ। वो कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब ओम का जाप करने वाले कहाँ जाते हैं? ब्रह्म लोक में। ठीक, अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरी जो साधना करनी है तो केवल ओम नाम है, नथिंग एल्स। राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण, ये कृष्ण कलम कृष्ण, ये बनावटी और मनमाना आचरण है, यूजलेस मंत्र है, इनसे जीवन नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा जाप करना है तो ओम का जाप है।